हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित तो कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पीसीएस की तैयारी सब लोगों की ज़ोर शोर से पूरी चल रही होगी सितंबर में एग्जाम्स हैं कुछ लोग ये ऐसा कह रहे हैं कि सितंबर के एंड में एग्ज़ाम होगा कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर के बिगिनिंग में एग्ज़ाम होगा तो हमें तो पता नहीं है कि कब होगा क्योंकि कमीशन ने अभी तक बताया नहीं है लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से रखनी है और ये एजम्पन्स लेके नहीं चलनी कि कोरोना बढ़ जाएगा तो सितंबर में तो होगा नहीं पोस्टपोन हो जाएगा तो आपने सितंबर एक को अपना डेडलाइन लेकर चलना है और उसी के हिसाब से तैयारी करनी है तो अबाउट पंजाब सीरीज जो हमारी चल रही है उसका अभी यह थर्ड लेक्चर है दो पार्ट इसके हम ऑलरेडी देख चुके हैं पंजाब के बारे में हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की स्टेट एनिमल के बारे में जाना स्टेट एक्वेटिक एनिमल के बारे में हमने जाना स्टेट बर्ड के बारे में हमने जाना अब पार्ट थ्री में हमने बेसिकली क्या देखना है पार्ट थ्री जो है ये थोड़ा छोटा पार्ट रहेगा आपका इसमें मेनली हम स्टेट ट्री ऑफ पंजाब के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी तक जनरल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है स्टेट ट्री अब स्टेट ट्री जो है पंजाब का वो है शीशम ठीक है यहाँ पर इसको शीशम को एस एच आई एस एच एम लिखा गया है कई जगहों पर अगर आप इसको गूगल करेंगे तो इसको एस एच डबल ई एस एच ए एम भी लिखा जाता है ठीक है तो वो स्पेलिंग में कई जगहों पर कई बुक्स में अलग अलग ये स्पेलिंग जो है इस्तेमाल की जाती हैं अब इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर गिवन है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2018 में सवाल पूछा गया था साइंटिफिक नेम के ऊपर और 2018 में साइंटिफिक नेम पूछा गया था स्टेट बर्ड का तो इसी वजह से साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अब 2018 में अगर स्टेट बर्ड का पूछा जा सकता है तो 2020 वाले में स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है तो आपको याद करना है स्टेट ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है डेलबर्जिया जुवेनाइल सिसू ठीक है तो ये आपका साइंटिफिक नेम है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना रट लेना है बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है अगर ये पेपर में सवाल आ जाता है तो आपके दो नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेट लैंग्वेज आप जानते हैं स्टेट लैंग्वेज पंजाबी है सेक्रेटेरिएट पंजाब का चंडीगढ़ में है और हाई कोर्ट पंजाब का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्योंकि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट अभी कंबाइंड है इनको अलग करने की बात बहुत समय से चल रही है लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो एक सिंगल हाई कोर्ट जो है वो एक्ट करता है दोनों स्टेट्स का हाई कोर्ट और ये पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट भी आपका चंडीगढ़ में है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा एक अगर आप देखें चंडीगढ़ एक सेक्टर में ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां पर सेक्रेटेरिएट भी है और हाई कोर्ट भी है ठीक है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमारे लिए लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शीशम की इसको इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है ठीक है अब इसके कुछ फीचर्स देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसका साइंटिफिक नेम है डेलबिया सेसु इसको रोज़वुड या शीशम भी कहा जाता है ये एक मीडियम टू लार्ज डेजिडियस ट्री है अब मीडियम टू लार्ज क्या होता है ट्रीज़ के अलग अलग साइजेस होते हैं छोटे पेड़ भी होते हैं आपने घरों में भी देखा होगा या बगीचे में भी कभी देखा होगा छोटे पेड़ भी होते हैं कई मीडियम साइज़ के पेड़ होते हैं और कोई बहुत बड़े पेड़ होते हैं तो अगर आप इंडियन रोजवुड की बात करो तो ये मीडियम टू लार्ज साइज़ इनका जो है रहता है नेटिव टू इंडिया मतलब कि हिंदुस्तान में ये नेटिवली पाए जाते हैं ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने इनके कुछ सीड्स वगैरह लाकर इंडिया में ग्रो करना शुरू किया ये इंडिया में नेटिवली पाए जाते हैं और स्लाइट क्राउन होता है क्राउन क्या होता है जो पेड़ के ऊपर जो आपको ऊपर से दिखता है ना उसका जो ताज जैसा होता है जो पेड़ की शेप होती है उसको क्राउन बोलते हैं तो स्लाइट साइका क्राउन होता है अब ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये सारे पॉइंट्स अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में चाहे वो आपका यूनियन का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट का पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जा सकते

चलिए इसको यहां से एक बार इरेज कर देते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहां कहां पर आपको ये शीशम

काफ़ी अच्छी खासी रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं मतलब आप ये लगा लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यानी कि ठंडे टेम्परेचर से ले ले करके 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म टेम्परेचर तक ये एग्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है बट वेरीज फ्रॉम जस्ट बिलो फ्रीजिंग टू नियरली फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पचास डिग्री सेल्सियस तक भी आप इसको लेकर के जा सकते हो मतलब हाई एरियाज में आपको ये देखने को मिलेगा आपको ठंडी जगहों पे भी ये पेड़ देखने को मिलेंगे गर्म जगहों पर भी देखने को मिलेंगे और जो मीडियम uh, टेम्परेचर वाली जो प्लेसेज है जो 20 टू 25 फाइव डिग्री सेल्सियस वाली प्लेस है वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये पूरे इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगे ओके रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल ये अराउंड 79 नाइन इंचेज तक की एनुअल रेनफॉल इनको चाहिए होती है और सूखे के भी तीन चार महीनों को ये आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं अगर तीन या चार महीने किसी एरिया में सूखा पड़ रहा है तो वहां पर भी ये आराम से सस्टेन कर सकते हैं इसी वजह से ये इंडिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि ड्रॉट की सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है अब इस ड्रॉट की सिचुएशन से लड़ने के लिए इस तरह के पेड़ों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ठीक है सॉइल की अगर हम बात करें कि किस कि तरह का सॉइल इनको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए तो प्योर सैंड एंड ग्रेवल जो एल्यूमिन एल्युबियम में रिच हो जो सॉइल जो रिवर बैंक्स अपने साथ एलुबियम सॉइल लेकर आते हैं जो उसमें रिच हो वहां पर आपका जो शीशम है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और कहीं पर अगर नमकीन मिट्टी है सेलाइन मिट्टी है वहाँ पर भी ये ग्रो कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा सेलाइन नहीं अगर हल्की सेलिनिटी है ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाकर देखें तो इस तरह के सवाल आपसे पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अगर हम शीशम के अब यूजेस की बात करें तो फायरवुड की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है टिम्बर की तरह यूज किया जा सकता है फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए हैंडल्स बनाने के लिए इसको एज अ फॉडर भी यूज़ किया जाता है फोडर जैसे कि जो चारे में इस्तेमाल होता है ठीक है इरोजन कंट्रोल मेजर इसको यूज़ किया जाता है जहां पर जो सॉइल इरोजन होने के चांसेज है वहां पर इन ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है जो ट्रीज होते हैं वो आपका सॉइल इरोजन अवॉइड करने में हेल्प करते हैं एज अ विंड ब्रेक इनको यूज़ किया जाता है जहां पर तेज गर्म हवाएं चलनी है फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में पंजाब में के मौसम में लू चलती है तो अगर आप ये पेड़ लगा लोगे तो वो लू से आपको बचाने में हेल्प करेगा ठीक है और इनके जो बीज होते हैं वहां से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो आगे इंडस्ट्री में जिसको इस्तेमाल किया जाता है अब देखो इसके मल्टीपल यूजेज हैं इसके प्रोडक्ट्स के और हमने पीछे देखा कि ये ठंडे जगहों पर भी रह सकती है यानी कि अगर कहीं पर फ्रॉस्ट लाइक सिचुएशन है वहां पर भी ये सस्टेन कर सकती है जहां पर सूखा पड़ रहा है ड्राई है वहां पर भी ये सस्टेन कर सकती है इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और इसी वजह से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं इस ट्री को प्लांट करना जो है बेहतरीन समझते हैं क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं अगर क्रॉप कल को फेल हो भी गई तो इसकी वुड को वो एज अ टिम्बर सेल कर सकते हैं ठीक है इसकी वुड को ऐसे टिम्बर सेल कर सकते हैं इसमें से और जो इसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो ऑयल इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इनको इकोनॉमिकली हेल्प करेगा उनका सॉइल इरोजन अवॉइड करने में हेल्प करेगा उनके जो जानवर उन्होंने पाले हुए हैं उनको फॉर्डर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा तो मल्टीपल हेल्प जो है ये इंडियन रोजवुड आपका प्रोवाइड करता है इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो ट्री है वो रहता है और इंडिया में अगर टिम्बर के लिए हम बात करें तो टिम्बर के लिए सबसे ज्यादा पेड़ जो इस्तेमाल किया जाता है वो है टीक और टीक के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका शीशम तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट जो है ये ट्री माना जाता है जो आपका इंडियन रोजवुड है या शीशम है यहां तक कि इसको जो सरकारें हैं वो हाईवे uh, पर आपने सुना होगा एक इनिशिएटिव सरकार लेकर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ग्रीन हाईवेज बनाएंगे ग्रीन हाईवेज में यह था कि हम हाईवेज के दोनों तरफ जो है बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे ताकि जो सीधी सनलाइट पड़ती है वो ना पड़े तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा शेड जो है प्रोवाइड करते हैं रोड्स के ऊपर ठीक है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट जो है रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है तो ये शीशम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं साइट्स स्टेटस की तो साइट्स है आपका जो एंडोंजर्ड स्पीशीज और फोना और फ्लोरा दोनों की उसको लिस्ट करता है साइट्स की अगर आप फुल फॉर्म देखें इट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा तो वाइल्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जो वाइल्ड में फ्लोरा और फोना जानवर और पेड़ और जो सब भी मिलते हैं उन स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलर कन्वेंशन बनाया गया है तो आपका जो शीशम है ये इस साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स टू में आता है ठीक है अब अपेंडिक्स टू में क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी इसमें ट्रेड करना चाहता है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा वो ट्रेड जो है अलाउड नहीं है तो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने साइट्स के तरफ अपनी भी भेजी थी कि इसको अपेंडिक्स टू से हटा दिया जाए ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो इसमें ट्रेड करके इनकम जनरेट कर सके तो अभी ये रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग है इसके ऊपर एक्शन अभी नहीं लिया गया है जैसे ही इसके ऊपर एक्शन आएगा तो वो आपके करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आ जाएगा ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका कवर हो गया कि साइट्स क्या है ठीक है तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो फोना और फ्लोरा की है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है चलिए तो स्टेट थ्री से रिलेटेड हमारे फैक्ट्स हो गए अब फटाफट से सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं तो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है अगेन जिन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया मैंने आपको पहले भी बताया था लेक ऑपरेसिव इन्होंने ही आपकी सेक्रेटेरिएट एरिया को भी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को भी डिज़ाइन किया है और ये जो आपका सेक्रेटेरिएट है 1953 में इसको बिल्ड अप कर दिया गया था ये चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है सेक्टर एट एक में चंडीगढ़ में वहीं पर यह स्थित है और वहां पर तीन बिल्डिंग्स हैं तीन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं सबसे पहले आ जाती है आपकी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग फिर आ जाती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद आ जाती है आपकी हाई कोर्ट बिल्डिंग जो आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसके अलावा ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जोमेट्रिक हिल एंड टावर ऑफ शेडोज भी आपको इस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुलाई दो में ये जो आपका चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया था आपको सारी इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पता होनी चाहिए और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए ये हम आपको एक सेपरेट लेक्चर में सेपरेट वीडियो में करा देंगे जिसमें आपकी सारी नेचुरल और जो जितने भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उसमें हम आपको कवर करा देंगे तो उसकी चिंता मत कीजिएगा चलिए ओके okay, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले ये मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि हमारा पीसीएस का एक कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट ट्रैक कोर्स है जो आपको प्रिपेयर करेगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाए सितंबर से पहले सारा और आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर लो हम इसमें प्री कम कमेन्स आपको कराएंगे लेकिन स्पेसिफिकली हम शुरू में आपको टारगेट करेंगे कि आप प्री जल्द से जल्द प्री के लिए तैयार हो जाओ ठीक है तो आप इस कोर्स को आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक के ऊपर जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही रीजनेबल प्राइस जो है इसका रखा गया है तो एक बार एक्सप्लोर आप इसको जरूर कर लीजिएगा तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा उससे आपको रेगुलरली अपडेट्स जैसे ही जो भी वीडियो ऐड होगा वो मिलते रहेंगे और अगर किसी को कोई भी डाउट हो कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके अलावा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर ठीक है नाइन फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर तो अभी के लिए धन्यवाद मिलेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा बाय बाय